जा रहे हैं और ये ट्रिप हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ नॉडी भी आया है। नॉडी आराम से पीछे की सीट लेके बैठा हुआ है और अब नॉडी सेटल हो चुका है क्योंकि फाइनली उसे अब ये लग रहा है कि वो कहीं डे बोर्डिंग पर ड्रॉप नहीं हो रहा, वो हमारे साथ ही चल रहा है ट्रिप पे। और हम मुरादाबाद क्रॉस कर चुके हैं, करीब 4 बजे तक हम पंगोट पहुँचेंगे और कैमरे के पीछे अर्नब छुपा हुआ है सीट के पीछे मैं तो और अर्नब कैसा लग रहा है? नॉट बहुत बढ़िया, फर्स्ट ट्रिप बहुत बढ़िया। और पापा से पूछो कैसा लग रहा है? सबको बहुत बढ़िया लग रहा है। हेलो गाइस, फाइनली हम पंगोट पहुंच चुके हैं। ये है मेरे बेटा जी अर्नब, ये है मेरे प्यारे प्यारे पति देव, ये है कुत्ता बलिया। तो गाइस हमारी जर्नी बहुत कंफर्टेबल रही। हम लोगों को वैसे तो 5 बजे निकलना था पर कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से हम 10 बजे निकले और यहाँ हम ठीक 5 बजे पहुँच गए थे। और मौसम यहाँ पे बहुत ही प्यारा है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। और नॉडी के हिसाब से हमें थोड़ा लगा कि ठंडा है तो नॉडी को हमने आते ही ये जैकेट पहना दिया। नॉडी अपनी और नॉडी आराम से लेटा हुआ है बिल्कुल कंफर्टेबली और हमें हमारा रूम असाइन हो गया है तो हमने सोचा रूम से एक वीडियो शेयर कर लें। नॉडी ने इतनी लंबी जर्नी पहली बार करी है बट आई थिंक हमने थोड़ी सी प्लानिंग करी और थोड़े सिस्टमैटिक वे में चले तो जर्नी में हमें लगभग 7 घंटे लगे जिसमें से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। नॉडी को हमने पीछे की पूरी एक सीट दी थी और वो आराम से खेलता रहा, हम टर्न बाय टर्न बीच बीच में उसके पास जा रहे थे और हमने 4 बारी शॉर्ट ब्रेक्स लिए ताकि नॉडी के लिए जितना हम कंफर्टेबल कर सकते थे हमने करा। गाइस इतनी लंबी जर्नी करके हम इसलिए आए क्योंकि हम लोगों को नॉडी के लिए कोई भी ऐसा अच्छा डे बोर्डिंग या डे केयर सेंटर नहीं मिला जहाँ पे इसकी वैसी केयर हो पाए जैसी हम करते हैं, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम इसको साथ में लेके चलेंगे और ट्रिप को अपने हिसाब से प्लान करेंगे और कुछ मेमोरीज क्रिएट करेंगे, कुछ मौज मस्ती करेंगे। और इन जनरल भी गाइस मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास भी कोई पेट है तो आप ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ स्ट्रक हो गई है, आप कहीं जा नहीं पा रहे हैं। आप नॉट ओनली दिस इज़ नॉट ओनली ट्रू फॉर पेट्स बट अगर आपके घर में कोई एल्डरली लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर कोई इन्फेंट है तो आप अपने ट्रिप को कस्टमाइज कीजिए, प्लान कीजिए अपने हिसाब से। जिस तरीके से आप जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं, आप ट्रिप को अच्छे से अपने हिसाब से प्लान कीजिए बट ट्रैवल ज़रूर कीजिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साइंटिफिकली भी ये प्रूव किया गया है कि ट्रैवल करने से हमारे माइंड को चेंज मिलता है, हमारा हार्ट हेल्दी रहता है और हमारी जनरल हेल्थ के लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो इंस्टेड ऑफ नॉट गोइंग आउट जस्ट प्लान योर ट्रिप और बाहर निकलिए, अपने माइंड को चेंज दीजिए क्योंकि मुझे लगता है वेकेशन का मतलब है एक माइंड के लिए चेंज, माइंड का रीजुविनेशन। तो जब आप ट्रैवल करेंगे आप ज़्यादा खुश रहेंगे, तो ट्रैवल कीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए।